हेलो, आवाज नहीं आ रही भाई। हेलो, इस पिछवाड़े जैसे शक्ल वाले आदमी को कभी आवाज ही नहीं आती। सुन लिया सर, पीछे से ऐसे गालियां देते हैं आपको। कोई नहीं कोई नहीं। हाँ भाई, आवाज ना आने की ना, सिर्फ एक्टिंग कर रहा था मैं, तब आवाज आ रही थी मुझे। क्या बोल रहा था? सर वो मैं आपको थोड़ी बोल रहा था, वो ऑफिस बॉय है ना सूरज, मैं तो उसको बोल रहा था। पता नहीं सुन ही नहीं रहा है, सुबह से 10 बार बुलाया, 11वीं बार में जाकर तो आया था वो। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना सर, तो आप उसी से पूछ लो। भेजो फोन। हमें क्या हो गया? हैं? क्या हो गया? नहाते समय कान में पानी चला गया। थैंक यू भाई, तुम तो बचा लिया आज। क्या बात कर रहे हैं सर, इतना अच्छा एक्टिंग किया मैंने तो बचना ही था, अब थोड़ा खर्चा पानी मिल जाता, मजा आ जाता। अबे पागल है क्या, मेरे से खर्चा पानी लेगा? निकल यहाँ से। अगर आपने पैसा नहीं दिया ना, तो मैं सर को बता दूंगा कि आपने ही गाली दिया था। ये हुई ना बात? क्या सर, दोनों ने ना आपको बेवकूफ बना दिया। अरे पता है मुझे भी, लेकिन ऑफिसेज में चलता है यार, कोई बात नहीं। देखो तुम्हें एक बात बताता हूँ, बॉस और एम्प्लॉय का ना रिश्ता ही ऐसा होता है कि बॉस एम्प्लॉय के लिए चाहे कितना ही कुछ कर ले, लेकिन एम्प्लॉय को हमेशा ये लगेगा कि ये तो हमारा मिसयूज कर रहा है, हरेस कर रहा है, हमें हमारी सैलरी नहीं बढ़ा रहा। उधर एम्प्लॉय बॉस के लिए कितना ही कुछ कर ले, लेकिन बॉस को हमेशा यही लगता है कि ये तो कुछ करते ही नहीं, और सभी बोलते हैं पीछे से तो कुछ ना कुछ, उससे फर्क क्या पड़ रहा है? सर कुछ भी हो, पर कोई तो एक्शन लेते हैं उनके खिलाफ। कोई नहीं, देखेंगे फिर, कल देखते हैं कुछ। सर जो आपने कल काम दिया था वो हो गया, आप चेक कर लो एक बार। वेरी गुड, बैठो एक बार जरा। अभी ना मैंने सूरज को बुलाया था। हाँ जी आ गए सूरज जी, आइए बैठिए। सही हो, सुनाई देने लगा अब या अभी भी नहीं सुनाई दे रहा? हैं? सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा अब? नहीं सर। एक न्यूज है तुम्हारे लिए, हम ना दूसरा ऑफिस बॉय रख रहे हैं, ठीक है? कल से आने की जरूरत नहीं है ऑफिस में, हमें बहरे लोगों की जरूरत नहीं है। अरे नहीं सर, हमको सब सुनाई दे रहा है सर, चाय कॉफी पानी सब। आपने जब बोला था ना कल कि पानी, सब सुनाई दे रहा था। मैं ओके हूँ सर, वो जो लड़का है ना सर दीपांशु, उसके बहकावे में आ गया था सर मैं, वो गाली देता आपके पीठ पीछे सर। अब सर हमको मत निकालिएगा सर, प्लीज सर, हम तो एकदम बढ़िया है सर, फिजिकल टेस्ट ले लीजिए हमारा सर। झूठ ना कभी ना कभी पकड़ा जरूर जाता है। बढ़िया लड़के हो, काम बढ़िया करते हो, लेकिन पर सारा टाइम अगर इन्हीं चीजों में बर्बाद करोगे ना, कि पीछे से उसकी बुराई कर ली, पीछे से उसकी चुगली कर दी, उसको गाली दे ली, तो उससे पता क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है और वो इंसान कभी भी जीवन में कामयाब नहीं होता। सॉरी सर, ऐसा आगे से नहीं होगा। काम पे ध्यान लगाओ, ये सब मत करो।